नमस्कार, न्यूज इंडिया में आपका स्वागत। आपके साथ मैं हूं देवश्री भट्टाचार्य। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के झुंझुनू में रैली को संबोधित किया। ये रैली बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की थीम पर आयोजित थी। इस दौरान पीएम मोदी के साथ राज्य की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और कई अन्य नेता भी मौजूद रहे। सोच विचार करके आया, राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया को 65वें जन्मदिन पर निम्स यूनिवर्सिटी के चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर बलवीर सिंह ने ट्वीट कर बधाई दी है। तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की भी बधाई देते हुए डॉक्टर तोमर ने राज्य के अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना की। पूरे विश्व में आज महिला दिवस मनाया जा रहा है। महिलाओं की ओर से किए गए श्रेष्ठ कार्यों को आज के दिन याद किया जाता है। महिलाओं ने हर क्षेत्र में बाजी मारी है, जिसका एक उदाहरण है जयपुर पुलिस कमिश्नरेट टीम की एंटी रोमियो विंग, जो महिलाओं बच्चियों को सुरक्षित माहौल देने में हर संभव प्रयास करती है। महिलाओं के साथ छेड़छाड़ जैसी घटनाओं से निपटने के लिए राजस्थान पुलिस की 52 महिला कांस्टेबलों को इसके लिए खास ट्रेनिंग दी गई है। इसे पेट्रोलिंग विंग को 26 स्कूटियां भी दी गई हैं। इन्हें कॉलेज के बाहर लड़कियों के साथ छेड़छाड़, स्कूल, सिनेमाघरों और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर तैनात किया गया है। महिला पुलिसकर्मी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कैसा उनका दिन रहता है, क्या पूरा दिन में किस तरह का वो काम करती है। किस तरह से आप काम करते हैं पूरे दिन, कैसे आपकी ड्यूटी शुरू होती है? हमारी ड्यूटी दो शिफ्ट में शुरू होती है, सुबह 7 से दोपहर 2 बजे तक और दोपहर को 2 बजे से नाइट में 9 बजे तक। इस दौरान हमारी ड्यूटी सुबह पार्कों में, स्कूल, कॉलेज, जैसे कामकाजी महिलाएं हैं, ऑफिस है, वहाँ पे हमारी ड्यूटी रहती है। और शाम के टाइम जैसे मॉल्स हैं, वहाँ पार्क हैं, वहाँ पे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है, वहाँ पे हमारी ड्यूटी रहती है। तो ये ड्यूटी करके हमें एक अपने आप पे, एक देश पे एक गर्व महसूस होता है कि हम महिलाओं के लिए कुछ कर रहे हैं। और आज इतनी, मतलब महिलाओं के प्रति इतनी समस्याएं बढ़ गई हैं कि उनके लिए हमें खड़ा होना बहुत ज़रूरी हो गया है। इसलिए ये टीम, सबसे पहले ये टीम जयपुर में बनाई गई है महिलाओं की सुरक्षा के लिए। मैडम, आपका परिवार भी है, आपकी ड्यूटी भी है, हालांकि दोनों ही बेहद ज़रूरी है, लेकिन आपकी बड़ी कठिन ड्यूटी है, उसके बावजूद आप घर जाते हैं, परिवार को भी संभालते हैं, दोनों जिम्मेदारी किस तरह से आप संभालते हैं? भाई, वो अगर अपन ने दिल में ये कर लिया कि हमें महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए हमें कुछ करना है, तो यहाँ की जिम्मेदारी भी हमें बखूबी निभानी पड़ेगी और घर की जिम्मेदारी भी वैसे ही निभानी पड़ेगी। मैडम, मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि जो आपकी जिम्मेदारी है वो बड़ी चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि अमूमन चेन स्नेचिंग हो जाती है, लड़के जो कॉलेज के बाहर जाते हैं, तो किस तरह से आप, वायरलेस आपको दे रखा है, एक डंडा दे रखा है, ये आप चलाते भी है, समझाते हैं किसी को जो समझते हैं? हमें स्कूटियाँ दे रखी हैं, वायरलेस दे रखे हैं, डंडे दे रखे हैं। हम कॉलेज, स्कूल में हमारी ड्यूटी रहती है, कोई भी लड़की हमें शिकायत करती है या हमें ऐसा कहीं, हमें ऐसे दिखता है कि भाई ये लड़के कॉलेज के बाहर खड़े हैं या लड़कियों को परेशान कर रहे हैं, महिलाओं को परेशान कर रहे हैं, तो हम वहाँ पे जाके पहले तो उनसे बात करते हैं, उनको समझाते हैं। अगर वो समझाने से नहीं मानते हैं तो हम कंट्रोल को वायरलेस पे बोलते हैं कि यहाँ पे ये समस्या हो रही है, आप संबंधित थाने की चेतक को भेजो या सिग्मा को, वो भेज देते हैं वहाँ पे, और फिर उनको थाने पे ले जाते हैं, आगे की कार्रवाई थाने वाले करते हैं। बिल्कुल, अगर कॉलेज में संदिग्ध अवस्था में आप घूमते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि महिला पेट्रोलिंग अलर्ट है, आपकी खैर नहीं है। कुछ और महिला पुलिसकर्मी हमसे जुड़ चुके हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। मैडम, महिला दिवस हम मनाने जा रहे हैं, तो महिला दिवस को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि महिला दिवस आज की तारीख में फॉर्मेलिटी वाला दिन हो गया है। महिला दिवस के दिन जो महिला का श्रेष्ठ काम है उसको याद किया जाता है, तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे महिला दिवस, क्योंकि आप भी महिला पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, उनकी सेफ्टी का ध्यान रखेंगे, वहाँ पे ड्यूटी पॉइंट रहेंगे, निगरानी रखेंगे उनकी। मुख्य सचिव की बर्खास्तगी मामले पर बिहार विधान परिषद में हंगामा थम ही नहीं रहा है। एक बार फिर कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्ष दलों के सदस्यों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। हाथों में तख्ती थामे विपक्ष के सदस्य सरकार से मुख्य सचिव की बर्खास्तगी की मांग पर अड़े रहे। गौरतलब है कि चारा घोटाला मामले में मुख्य सचिव को भी सीबीआई कोर्ट ने नोटिस भेजा है और इस मामले के बाद से ही विपक्ष सरकार पर हमलावर है। आज भी परिषद की कार्यवाही शुरू होने के पहले इस मामले को लेकर विपक्ष हमलावर दिखा।
शामली जनपद के इंडियन ओवरसीज बैंक के एटीएम से 18,37,000 रुपए की रकम चोरी कर ली गई। बैंक अधिकारियों को इतनी बड़ी चोरी के बारे में 24 घंटे बाद उस वक्त जानकारी हुई जब लोगों ने एटीएम में पैसे नहीं होने की शिकायत की। इसके बाद बैंक अधिकारियों में हड़कंप मच गया। बैंक के रीजनल ऑफिस मेरठ से जांच की टीम शामली पहुंची और सीसीटीवी कैमरों की जांच की तो एक युवक एटीएम में घुसता और निकलता नजर आया, जिसने खुद को इंजीनियर बताते हुए एटीएम ठीक करने की बात की थी। मेरठ में लसाड़ी गेट इलाके से दो गुटों के बीच झगड़े की सूचना पर मौके पर पहुंची डायल 100 की गाड़ी पर असामाजिक तत्वों ने तोड़फोड़ और पथराव किया। इससे गाड़ी के शीशे टूटे और साथ ही उसमें रखे वायरलेस सेट भी खराब हो गए। पुलिस ने मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। लोकसभा के उपचुनावों को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सह पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने अररिया का दौरा किया। उन्होंने कहा कि नॉर्थ ईस्ट और बंगाल में प्रतिमाओं को तोड़ना निंदनीय है, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने नीतीश सरकार के डबल इंजन की गाड़ी में अररिया के लोगों को जोड़ने की अपील की। मांझी प्रकरण में उन्होंने जवाब दिया कि वे छेद वाली नाव की सवारी कर रहे हैं। उससे अररिया के अंदर भारतीय जनता पार्टी एनडीए की लहर पैदा हो गई। अपार बहुमत से भारतीय जनता पार्टी अररिया की सीट और जहानाबाद भभुआ की सीट जीतेगी। भरतपुर के बयाना क्षेत्र के ब्रह्मवाद ग्राम पंचायत की ओर से शीतला माता के मंदिर में विराट अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें देश के प्रसिद्ध कवि कवियत्रियों ने काव्य पाठ किया। इसमें यशपाल गीतकार फिरोजाबाद, कवि जगदीश खटाना, सतीश मैनपुरी, ममता वार्ष्णेय सिंगार, कवियत्री मेरठ, पूनम शर्मा कवियत्री ने भाग लिया। कवि सम्मेलन में स्थानीय कवि जगदीश खटाना ने कविताओं से समा बांधा। सुपौल के किशनपुर थाना क्षेत्र के कोसी टोल प्लाजा के पास बन रहे एसएसपी कैंप में एक प्लम्बर का काम करने वाले मजदूर ने खुदकुशी कर ली। उसके साथ काम कर रहे एक अन्य मजदूर ने बताया कि वो युवक यूपी के मथुरा का रहने वाला था, जो बिजली के तार से गले में फंदा लगाकर आत्महत्या की। सूत्रों के मुताबिक घरेलू कलह से तंग आकर युवक ने खुदकुशी की। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। बोले जो ये आसनपुर कुपा टोल प्लाजा से वो एसबीआई कैंप से लाया गया है। तो यहाँ पर सुपौल में किस लिए आए? पोस्टमार्टम कराने के लिए। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर थाना बेहट इंचार्ज एमपी सिंह ने स्मैक के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया है। तस्कर से बड़ी मात्रा में स्मैक भी जब्त की गई है। पूछताछ में तस्कर ने सहारनपुर से स्मैक लाने की बात कबूल की है, जिसके बाद पुलिस ने उसे न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है। अलवर की बेटी चित्रा सिंह ने ईरान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वुशू प्रतियोगिता में भारत के लिए कांस्य पदक जीता है। कांस्य पदक जीत अलवर का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन करने वाली चित्रा सिंह का बुधवार को अलवर पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। खेल से जुड़े लोगों ने चित्रा को सम्मान देने के लिए फूलमाला और ढोल नगाड़ों से उनका स्वागत किया और खुली जीप में बिठाकर स्वागत जुलूस निकाला। सेकेंड पीस इन फ्रेंडशिप वुशू कप में आई गॉट ब्रॉन्ज मेडल। मेरी पहली फाइट थी अफगानिस्तान के साथ, दूसरी फाइट थी उज़्बेकिस्तान के साथ और तीसरी फाइट जो मेरी सेमीफाइनल बाउट थी वो थी ईरान के साथ, जिससे मैं आई मिस दैट बाउट और इसी वजह से सेमीफाइनल में रहते हुए आई गॉट ब्रॉन्ज मेडल। क्या लग रहा है अलवर को रिप्रेजेंट करके? हमेशा अच्छा लगता है अलवर के लिए खेलना, राजस्थान के लिए खेलना, और क्योंकि जब आप इंडिया कलर पहन लेते हो, जब आपकी जर्सी पे ब्लैक ब्लू कलर लग जाता है तो उसका फीलिंग कुछ और होती है। आई थिंक वो हर स्पोर्ट्स पर्सन समझ सकता है। यूपी के जनपद बहराइच में 16 से 20 मार्च 2018 तक आयोजित होने वाले 5 दिवसीय बहराइच महोत्सव के कार्यक्रम स्थल पर पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भूमि पूजन के अवसर पर जिलाधिकारी अजय दीप सिंह ने अपील की कि बहराइच महोत्सव 2018 को, जो कि सबका महोत्सव है, उसे सफल बनाए जाने में हर संभव सहयोग प्रदान किया जाए। क्या कर सकते हैं हम लोग से पूछने क्या आते हो, हमारे बहराइच में कौन 5 एक दिन के लिए लड़का आया
झारखंड से ये आप लोगों ने सुनी डिमांड की थी कि सीबीआई जांच हो, तो सीबीआई जांच भी हो तो इसमें सीबीआई से कोई प्रोग्रेस नहीं, सीबीआई तो हुआ है तो थे तो कोई प्रोग्रेस नजर आ रहा कि नहीं नजर आ रहा कुछ नहीं नजर आ रहा तो ये भी जांच में अभी तक कुछ नहीं कोई स्पष्ट नहीं कर पाए हैं कुछ नहीं कर पा रहे बस खाली पता नहीं क्या ढूंढ रहे का इतने तेवड़े कागज में निकाल रहे हो मेन मुलजिम खड़ा होकर पकड़े नहीं रहे हो। यूपी के बुंदेलखंड में बलात्कार की वारदातें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। बांदा में फिर एक मासूम को वहशी दरिंदे ने अपना शिकार बनाया। टॉफी देने के बहाने आरोपी ने 5 साल की मासूम को एक मकान में ले जाकर दुष्कर्म किया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। रोते रोते बेहोश हो गई थी, मैं लेकर वहाँ नहाया धोए फिर पूछा था तब फिर बताया है सब। कब की घटना है? ये काफी हो गई 28 तारीख तक। 28 की घटना है। और कोई गांव के लोगों ने देखा? गांव के लोगों ने कोई नहीं देखा, इसी शायद मुझे बताते हैं। कोई नहीं, प्रशासन के लोग कोई आए हैं? पुलिस पुलिस आई है? सब आई है सर। देखिए कमासिन थाना क्षेत्र के अंतर्गत 5 साल की एक बच्ची के साथ एक घटना, ये बलात्कार की घटना हुई है। वो जिस बच्चे ने ये की है वो भी नाबालिग है, 16-17 साल का लड़का है वो, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। लड़की की स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया है, लड़की स्वस्थ है, उसको कोई खतरा नहीं है। सेंटर फॉर एनवायरनमेंट एंड एनर्जी डेवलपमेंट झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी की ओर से एनर्जाइजिंग एक्सेस इन झारखंड कार्यक्रम रांची के बीएन होटल में आयोजित किया गया। इस कार्यशाला में ऊर्जा पर आधारित मिनी ग्रिड के जरिए बिजली उपलब्धता को सुनिश्चित कर सशक्तिकरण को बढ़ावा देने पर चर्चा की गई। वहीं झारखंड में प्रस्तावित मिनी ग्रिड पॉलिसी ड्राफ्ट 2018 को ज्यादा बेहतर बनाने और फीडबैक के लिए जरूरी विभिन्न स्टेक होल्डर्स के विचारों का आदान प्रदान हुआ। आज का जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है वो मिनी ग्रिड पॉलिसी बनाने के लिए, राज्य के मिनी ग्रिड पॉलिसी बनाने के लिए किया गया है। आप जैसा कि जानते हैं कि राज्य में अभी बहुत सारे ऐसे हाउस होल्ड हैं, करीब 25 लाख घर हैं जहां बिजली पहुंचाए जाने हैं, और इसका ट्रेन ऐसा है कि ग्रिड को पहुंचाने में अभी कुछ समय लगेगा। वैसे तो झारखंड सरकार ग्रिड डेवलपमेंट के लिए काफ़ी मैसिव इन्वेस्टमेंट कर रही है और उनका यह टारगेट भी है कि 1 साल के अंतर्गत सारे गांवों में सभी घर को बिजली पहुंचाया जाए। लेकिन डिफ़िकल्टी को देखते हुए, ऐसे बहुत सारे टोपोग्राफी को देखते हुए, छोटे मिनी ग्रिड इसका अच्छा सप्लीमेंटल काम कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में सहयोग की शपथ कार्यक्रम अलवर के नंगली चौराहे पर बुधवार शाम आयोजित की गई। कार्यक्रम में पूर्णकालिक सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और अति मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट दिनेश कुमार जलथूरिया ने नर्सिंग छात्राओं को शपथ दिलाई और इस विषय पर बात की। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर नर्सिंग कॉलेज की छात्राओं के बीच में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें छात्राओं को PCPNDT एक्ट के बारे में, कन्या भ्रूण हत्या रोकने के बारे में जो सशक्त कानून है उसके बारे में बताया गया। इसके अलावा बेटी को पढ़ाने के बारे में बताया गया कि किस तरीके से बेटी को पढ़ाया जाना चाहिए, राइट टू एजुकेशन एक्ट के बारे में बताया गया। इसके अलावा जो बेटी बच गई और पढ़ गई उसके लिए ये सबसे महत्वपूर्ण बात बताई गई कि उसको बाल विवाह से भी बचाना है। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप न्यूज इंडिया .NIMS UNI पर हमें लाइक कर सकते हैं।